डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी का नया ट्वीट, इंट्रोड्यूसिंग प्रज्ञाता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कंटेनिंग रेकमेंडेड स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रेन टिप्स ऑन कॉपिंग विद मेंटल फिजिकल स्ट्रेस ड्यूरिंग डिजिटल लर्निंग एंड मोर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिटेल्स प्रज्ञाता। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता, आप सभी का मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेडिंग इज डिजिटल शिक्षा के दौरान तनाव से निपटने के लिए HRD मंत्रालय ने पेश किया दिशा निर्देश प्रज्ञाता। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के दौरान छात्रों में मानसिक एवं शारीरिक तनाव से निपटने सहित अन्य मुद्दों पर स्कूल के प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा दिशा निर्देश तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को ये जानकारी दी। निशंक ने ट्वीट कर कहा, स्कूलों के प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा दिशा निर्देश प्रज्ञाता पेश कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि इसमें डिजिटल शिक्षा के दौरान मानसिक एवं शारीरिक तनाव से निपटने सहित छात्रों आदि के लिए अन्य मुद्दों पर अनुशंसाएं की गई हैं। 45 मिनट से ज़्यादा की ना हो ऑनलाइन क्लास। HRD मंत्रालय ने कहा है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक की नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय के अनुसार पहली कक्षा से आठवीं तक के लिए प्रत्येक 45 मिनट तक के दो ऑनलाइन सेशन और कक्षा नौवीं से बारहवीं के लिए 4 सेशन होंगे। प्रज्ञाता दिशा निर्देशों में ऑनलाइन शिक्षा के 8 चरण शामिल हैं, जिसमें योजना, समीक्षा, व्यवस्था, गाइड, याक मीन्स बात, असाइन, ट्रैक और प्रशंसा शामिल है। निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशासकों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के लिए दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार की गई है। मूल्यांकन की आवश्यकता। ऑनलाइन योजना और डिजिटल शिक्षा जैसे कि अवधि, स्क्रीन समय, समावेश, संतुलित ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों आदि के स्तर की समझ, हस्तक्षेप के तौर तरीके जिनमें संसाधन की अवधि, स्तर, बार वितरण आदि शामिल है। डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और सभी का कुछ अच्छा हो। साइबर सुरक्षा और नैतिक प्रथाओं सहित साइबर सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सावधानी और उपाय, विभिन्न पहलों के साथ सहयोग और अभिसरण। और इसका मेन इनिशिएटिव क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है, उसको भी देख लेना आवश्यक है। बच्चों को तनाव से दूर रखना है मकसद। फर्स्ट वन इज, इस गाइडलाइन में छात्रों के साथ स्कूलों के प्रमुखों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी कुछ टिप्स दिए गए हैं। सेकंड, इनका उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान ध्यान रखना है, जिससे बच्चों में पढ़ाई को लेकर किसी भी तरह का तनाव पैदा ना हो। नेक्स्ट वन, अभिभावकों से बच्चों को योग, प्राणायाम जैसी गतिविधियों से जोड़ने के साथ साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्क रखने का सुझाव दिया है। एंड लास्ट ऑफ ऑल बट नॉट लिस्ट, शिक्षकों से बच्चों को पढ़ाई के साथ सृजनात्मक कार्यों से भी जोड़ने पर जोर। तो उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास सार्थक लगा होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। टिल देन, ओके, बाय।